चलो कुछ ऐसे पॉपुलर सिटीज हैं मध्य प्रदेश में जहां से क्वेश्चन वगैरह पूछता है जीके वाले पोर्शन से अलग अलग एग्जाम्स में, तो उन सिटीज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेक्शन है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से कुछ पॉपुलरिटीज है कुछ सिटीज की, कुछ प्लेसेस हैं कुछ साइट्स हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल एक तो कैपिटल है और यहाँ ढेर सारे झील हैं लेक्स हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है यहाँ पे इंदौर, जैसा कि मैंने बताया था इंदौर के केस में पहले इसको इंडस्ट्रियल सिटी या जो कमर्शियल सिटी या फिर कमर्शियल कैपिटल इंडस्ट्रियल कैपिटल इस तरह से माना जाता है, औद्योगिक नगर माना जाता है या वाणिज्यिक या औद्योगिक जो है राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, क्लॉथेज के लिए जो है या क्लॉथ इंडस्ट्रीज के लिए जो है जाना जाता है इंदौर, तो सिटी ऑफ क्लॉथेज भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी कहा ही जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल या वाणिज्यिक राजधानी के अलावा मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है इंदौर को। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो। अब खजुराहो जो है फेमस है अपने वहाँ के क्राफ्टिंग के लिए, खजुराहो जो है शिल्पकारी के लिए, वहाँ के जो मंदिर है वो सब जो है फेमस है, तो खजुराहो एक दर्शनीय स्थल है मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो पूरा देश भर में जो है फेमस है। इसको बोला जाता है पिलग्रिमेज ऑफ क्राफ्ट, शिल्पकारी का तीर्थ स्थल माना जाता है या शिल्प तीर्थ के नाम से जो है इसको जाना जाता है, तो क्राफ्टिंग के लिए स्पेशली जाना जाता है, तो पिलग्रिमेज ऑफ क्राफ्ट्स के नाम से बोला जाता है खजुराहो को, या आर्टिस्टिक टेम्पल कहा जाता है, जो शिल्पकार होते हैं उनके लिए एक तरह का तीर्थ स्थल है, मंदिर के समान है खजुराहो। सांची जो है फेमस है अपने बुद्धिज्म के लिए, तो होली सिटी ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है इसको, तो बौद्ध धर्म का जो है एक तरह का केंद्र है सांची। ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्तूपास के लिए फेमस है, बहुत सारे स्तूप हैं जो अशोका के टाइम में बनाए गए हैं, सांची का स्तूपा बहुत फेमस है, तो याद रखना है ये जो है एक तरह का धार्मिक स्थल है बौद्ध धर्म का, स्पेशली सांची जो है। भीमबेटका अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, अपने वो बोलना चाहिए कि जो शैल चित्र बने हैं वहां पे पुराने जमाने के, तो शैल चित्रों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, एंशियंट रॉक पेंटिंग्स है भीमबेटका। ठीक है, जहां पे जो हमारा स्टोन एज के बहुत सारे पेंटिंग्स वहां पे मिलते हैं। उज्जैन को माना जाता है कुंभ का दर्जा है, एक कुंभ मेला यहाँ पे लगता है उज्जैन में, और इसको बोला जाता है सिटी ऑफ महाकाल, महाकाल की नगरी कहा जाता है, भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे मंदिरें हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्कल्पचर भी कहा जाता है, तो सिटी ऑफ महाकाल, सिटी ऑफ टेम्पल एंड स्कल्पचर जो है उज्जैन को माना जाता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा है ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर में जो भारत में अलग अलग ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर को जाना जाता है ज्योतिर्लिंग की वजह से, जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पे स्थापित है। तो ये आपको याद रखना है, इनमें से ये सिर्फ दर्शनीय स्थल की बात नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंडियन लेवल में भी अलग अलग सेक्शन में इसके क्वेश्चन बनता है, तो जरूर एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो इन सेक्शन से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, मांडू जो जगह है उसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, इसको टाइटल दिया गया है सिटी ऑफ जॉय, या फिर इसको अपने पैलेसेस के लिए फेमस है, मांडू का जो पैलेसेस है इसको सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है मांडू को। ठीक है, पचमढ़ी जो है स्पेशली वहां के टूरिज्म के लिए जाना जाता है, बहुत सारे हिल स्टेशन है, तो इसीलिए जो है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश, या इसको टूरिस्ट पैराडाइज बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जो टूरिज्म है या टूरिस्ट है उनके लिए एक तरह का स्वर्ग माना जाता है इसको पचमढ़ी को। ठीक है, तो टूरिस्ट पैराडाइज माना जाता है पचमढ़ी। रीवा जो है वो रीवा अपने स्पेशली वहां के व्हाइट लायंस के लिए फेमस रहा है, कभी ना कभी रीवा को जाना जाता था इसके लिए, सफेद शेरों के लिए, है ना, तो लैंड ऑफ व्हाइट लायंस कहा जाता है रीवा को। धार जो है वो वहां के केप्स के लिए फेमस है, टाइगर केप्स के लिए, तो धार को सिटी ऑफ भोज भी कहा जाता है, जो राजा भोज थे उनके सिटी ऑफ भोज कहा जाता है इसको धार को। चंदेरी अपने साड़ियों के लिए फेमस है और अपने फोर्ट्स के लिए फेमस है, तो चंदेरी साड़ी बहुत फेमस है, तो चंदेरी साड़ी पूरे देश में फेमस है एक्चुअली। इसके अलावा चंदेरी में बहुत सारे किले हैं, फोर्ट्स हैं, तो उन फोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है चंदेरी को।
भिंड मुरैना का जो क्षेत्र है वो रिबेल के लिए जाना जाता है, अपने विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो भिंड मुरैना का क्षेत्र फोर्ट ऑफ रिबेल कहा जाता है, विद्रोह का किला माना जाता है। इस क्षेत्र में जो है विद्रोही हुए हमेशा से, तो भिंड मुरैना को क्षेत्र को फोर्ट ऑफ रिबेल कहा जाता है, विद्रोहियों का किला। पीथमपुर को माना जाता है डेट्रॉयट ऑफ इंडिया। अब देखो बेसिकली जो डेट्रॉयट है वो अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, एक तरह का अमेरिका में जो है एक एरिया है, तो उस एरिया में वो जो एरिया है वो ऑटोमोबाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए जो है पीथमपुर जो एरिया है मध्य प्रदेश का, ये भी अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये फेमस है। तो पीथमपुर को बोला जाता है डेट्रॉयट ऑफ इंडिया। ग्वालियर को बोला जाता है सिटी ऑफ तानसेन। तो तानसेन की जन्म स्थली है ग्वालियर का, जो तानसेन फेमस म्यूजिशियन रहे, आपने नाम सुना ही होगा, तो तानसेन के लिए जाना जाता है ग्वालियर को, है ना। इसके अलावा इसको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो है एक्चुअली जो है ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा रहा है इंग्लैंड का, जिसमें वो एक किला था समझो, फोर्ट था, और उसको किसी ने जीता नहीं था, इसीलिए उसको अभेद किला माना जाता है। तो ग्वालियर के जो किले थे या ग्वालियर का जो किला है उसको भी जिब्राल्टर की तरह देखा जाता है, किसी ने जीता नहीं उसको, ठीक है, इसीलिए ग्वालियर के किला को जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, तो उसी को यहाँ पे टाइटल दिया गया है ग्वालियर को भी, यहाँ के किलों को। तो सिटी ऑफ तानसेन भी कहा जाता है और जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। देवास अपने जाने जाते हैं जो नोट के प्रेसिंग प्रेस जो होता है, नोट प्रेस, नोट छापने का जो प्रेस है उसके लिए जाना जाता है, तो बैंक नोट प्रेस के लिए फेमस है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है देवास में, तो उसके लिए भी जाना जाता है देवास को। तो इन स्पेशल साइट्स को भी आपको ध्यान रखना है, इनमें से बार बार अगेन क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजन्स ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ सिटीज में कुछ और नाम है यहाँ पे, जैसे मलाज खंड है, तो ये अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है और स्पेशली कॉपर माइंस के लिए जाना जाता है। मलाज खंड देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां कॉपर की जरूरत पड़ती है या कॉपर इंडस्ट्रीज है उसको सप्लाई भी किया जाता है, तो कॉपर माइंस जो है यहाँ पे मलाज खंड में मिलता है। तो मलाज खंड कॉपर माइंस के लिए या सिटी ऑफ कॉपर माइंस कहा जाता है, कॉपर माइंस का शहर शहर। बालाघाट को माना जाता है मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज कैपिटल भी कहा जाता है, मैग्नीज सिटी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, बालाघाट मैग्नीज सिटी। हालांकि मैं मिनरल वाले सेक्शन में इनको थोड़ा रिपीट करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक जो है आप यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। कटनी को जाना जाता है अपने चूना पत्थर के लिए, तो इसको लाइम सिटी के नाम से जाना जाता है, कटनी का चूना पूरे देश में फेमस है ना। पता नहीं गाने भी बने हैं कटनी के चूना से, लोकगीत टाइप से, या पता नहीं क्या क्या गाने बन गए हैं, कटनी का चूना। इसके अलावा जो है पन्ना जाना जाता है, पन्ना अपने हीरों के लिए फेमस है, हीरे के लिए, डायमंड माइंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए इसको डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है, तो पन्ना डायमंड माइंस के लिए। सिंगरौली जो है इसको कोल माइंस के लिए जाना जाता है, और इसको जो है सिंगरौली को कोल कैपिटल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि ऊर्जा का या एनर्जी का एक सोर्स है कोल जो है, तो इसीलिए इसको एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है, कोल कैपिटल भी कहा जाता है, कोयला राजधानी भी माना जाता है सिंगरौली को। भेड़ाघाट अपने मार्बल्स के लिए फेमस है, अपने संगमरमर के लिए, तो भेड़ाघाट को जो है मार्बल रॉक्स के लिए जाना जाता है, संगमरमर के लिए। इसके अलावा जबलपुर का क्षेत्र वही भेड़ाघाट और जबलपुर के ही एरिया में आता है, तो इसको जबलपुर जो के डिस्ट्रिक्ट है समझो भेड़ाघाट के लिए, तो उसको भी मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है, और संगमरमर के लिए जबलपुर को जाना जाता है। तो भेड़ाघाट जबलपुर को याद रखना है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे संगमरमर से रिलेटेड है। मंदसौर को माना जाता है ओपियम के लिए, ठीक है, जो भांग बनाया जाता है ना उसके लिए, तो भांग के प्रोडक्शन के लिए जो है जो सिटी है वो मंदसौर है, मध्य प्रदेश में स्पेशली आपको याद रखना है, ओपियम प्रोडक्शन के लिए इसको जाना जाता है मंदसौर का क्षेत्र। नेपानगर को यहाँ के पेपर मिल के जो अखबारी कागज है इसके लिए जाना जाता है, अखबार के जो कागज बनाए जाते हैं नेपानगर में, अखबारी कागज।
देवास को जैसा कि मैंने कहा बैंक के लिए नोट्स के लिए जाना जाता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। हालांकि चामुंडा माता मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी कैटेगरी में पेपर अखबारी कागज के लिए नेपानगर और बैंक नोट प्रेस के लिए देवास, ये दोनों में अक्सर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों के पॉपुलरिटीज का। चलो ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपको याद रखना है, ये कुछ जो है इंडस्ट्री या मिनरल से रिलेटेड सेक्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्टेट एम्बलेम या राजकीय प्रतीक चिन्हों को लेकर के। चलो अब मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है ना, और जब कोई भी राज्य बनता है तो उसी के साथ में एक कहीं ना कहीं जो है उसका एक स्टेट एम्ब्लेम बनाया जाता है, या एक स्टेट एम्ब्लेम को जो है वहां पे फाइनलाइज किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में वो रिप्रेजेंट करता है अपने राज्य को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन ने भी अपना एक राजकीय प्रतीक चिन्ह है या स्टेट एम्ब्लेम को अपनाया था, और इसकी अगर हम खास बातें करें तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें आप देखोगे कि ये अशोक का जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक है, और साथ में पीछे एक बनियान ट्री है। कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है ना किन किन चीजों को शामिल किया गया है, तो इसमें एक तो अशोका का जो ये लायन है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहा जाता है इसको, ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ भी बोला जाता है, तो ये चीज को इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ बनियान ट्री जो कि ये पेड़ है वो पीछे आपको दिख रहा होगा, तो बनियान ट्री को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है ये आप देख सकते हो वीट का जो है शाइन इसमें रखा गया, गेहूं, ठीक है, गेहूं की बालियां हैं जो इसमें शामिल है, और एक साइड में जो है धान की बालियां हैं, तो ये दोनों चीजों को जो है इसमें शामिल किया गया है, राइस और धान को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और पूरा जो ये है आपका एम्ब्लेम है ये 24 स्तूपा से जो है सराउंडेड है, 24 जो है स्तूप है इसमें चारों तरफ से इसको घेरे हुए, तो एक सर्कुलर शेप है समझो। कई बार पूछ देता है कि इसका शेप कैसा है, तो सिंपल सी बात है सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर शेप है, याद रखना है। ऊपर में यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन लिखा है, नीचे सत्यमेव जयते जो भारत का जो है प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक वाक्य है, उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ ही साथ 24 जो है स्तूप है जो कि अशोका के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ यहाँ सारनाथ स्तंभ को जो है लायन को जो है यहाँ पे वो किया गया है, चार लायन यहाँ पे जो है उसको, पीछे जो है बनियान ट्री है, यहाँ पे गेहूं और राइस को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है स्टेट एम्ब्लेम में। ठीक है, स्टेट एंथम की बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश, इसको जो है महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, मेरा मध्य प्रदेश है, तो ये यहाँ का एक तरह का स्टेट एंथम है, राजकीय गीत है। साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, काम काज का भाषा है। साथ ही साथ यहाँ का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो है आपका देवनागरी, जो जनरली हिंदी के लिए यूज किया जाता है, तो देवनागरी लिपि को जो है इसमें स्क्रिप्ट के रूप में ऑफिशियल स्क्रिप्ट है यहाँ का। स्टेट डांस की बात करें तो राई जो डांस है वो यहाँ का स्टेट डांस है, राई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्पेशली जो है माना जाता है, और खास तौर पे जो सिंगार का और शौर्य का जो है एक तरह का इसको वो माना जाता है, रिप्रेजेंटेशन माना जाता है राई नृत्य को। तो हालांकि जब हम डांस और फोक डांस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और मैं इसमें इसके बारे में बताऊंगा, जैसे इसमें एक विदूषक का पात्र होता है, एक बेढ़नी का पात्र होता है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम उस टाइम में बात करेंगे। तो राई नृत्य जो है यहाँ का स्टेट डांस फॉर्म है। साथ ही साथ यहाँ का राजकीय ड्रामा की बात करें या नाट्य की बात करें तो यहाँ का जो नाट्य है जिसको हम नाटक बोल सकते हैं या फोक ड्रामा बोलते हैं, तो स्टेट ड्रामा के रूप में माच जो ड्रामा है इसको माना जाता है यहाँ का राजकीय नाट्य। ठीक है, माच ड्रामा या माचा भी कहा जाता है इसको। तो मालवा का जो क्षेत्र है उस एरिया में जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये जो नाट्य है माचा या माच, तो और इसका जो बेस होता है जितने भी पौराणिक कथाएं होती हैं जैसे महाभारत वगैरह हो गया, बहुत सारे जो पौराणिक कथाओं पे ये बेस्ड होता है, तो ये जो है यहाँ का राजकीय नाट्य है। स्टेट गेम की बात करें तो आप देख सकते हो मल्लखंब जो है ये यहाँ का स्टेट गेम है, राजकीय खेल है।
ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में ये सब चीजें पूछता है, तो याद रखना है राष्ट्रीय जो सॉरी राष्ट्रीय बोल दिया, राजकीय जो है एंथम है वो मेरा मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, राजकीय नृत्य जो है राई है, और राजकीय नाट्य जो है माछ है, इसके अलावा राजकीय खेल जो है मलखम है। इतनी चीजें हो गई। आगे हम बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंघा, जिसको हम स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है, राइट। ये ब्रेडरी प्रजाति का होता है, इसको बोला जाता है, इसकी जो प्रजाति है उसका नाम है ब्रेडरी। अच्छा, कई बार इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है, तो याद रखना है इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है रुश्वर्स ड्वार्सेली, ऐसा कुछ नाम है, रुश्वर्स ड्वार्सेली, ये वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, स्वैम्प डियर। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो दूधराज बोला जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो इसका जो पंख है या हिस्सा है, पिछले वाला हिस्सा ये पूरा व्हाइट कलर का है, और ये जो सिर का हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का है। इसको बोला जाता है दूधराज, या इसको बोला जाता है आम बोलचाल में वहां के लैंग्वेज में शाहे बुलबुल, ठीक है, शाहे बुलबुल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको दूधराज को एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है ट्रैप्सिफोन पैराडाइज भी कहा जाता है, ट्रैप्सिफोन पैराडाइज, ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है ये ट्रैप्सिफोन पैराडाइज, या इसको आम बोलचाल में एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। दूधराज के नाम से भी जाना जाता है और शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, सभी नाम को आपको ध्यान रखना है स्टेट बर्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट फिश का, तो महाशीर जो फिश है यहाँ का वो जो है स्टेट फिश है, और जो महाशीर प्रजाति है एक तरह का, इसको नर्मदा नदी के आसपास में इसको माना जाता है ये जो मछली है ये, और इसको 2011 से जो है इसको शामिल किया गया है स्टेट फिश के रूप में, राजकीय मछली का इसको या मत्स्य का इसको उपाधि कब मिला या टाइटल कब दिया गया, 2011 से, ठीक है, महाशीर, ठीक है। इसको आम बोलचाल में महाशीर बॉडास भी कहा जाता है, जो आम लोग हैं वो इस नाम से भी जानते हैं इसको। अगर हम यहाँ के स्टेट फ्लावर की बात करें तो व्हाइट लिली, या जिसको हम मैडोना लिली कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है, मैडोना लिली या व्हाइट लिली, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये यहाँ का राजकीय पुष्प है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लिलियम कैंडिडम, ठीक है, लिलियम कैंडिडम नाम से भी इसको जाना जाता है, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जो है इसका लिलियम कैंडिडम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष है बनियान ट्री, जिसको स्टेट एम्बलेम में भी शामिल किया गया है, और यहाँ का राष्ट्रीय सॉरी राजकीय पेड़ भी है, राजकीय वृक्ष भी है बनियान ट्री। और इसको साइंटिफिक नेम जो है इसको बोला जाता है फिकस फैंगलेंसिस, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है, फिकस फैंगलेंसिस भी कहा जाता है, या फाइकस फैंगलेंसिस, इस नाम से फैंगलेंसिस, फाइकस फैंगलेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है फाइकस बैंगलेंसिस। स्पेशली जो है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको हिंदी में बरगद पेड़ बोलते हैं ना, बरगद का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, स्पेशली औषधि वगैरह के लिए, और बहुत सारे औषधि वगैरह के निर्माण वगैरह में इसका काम लिया जाता है बनियान ट्री का। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट क्रॉप, जैसा कि इसको सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए ये फेमस भी है अपने सोयाबीन के लिए। तो यहाँ के प्रोडक्शन में, मतलब भारत में सोयाबीन प्रोडक्शन में ये हमेशा अग्रणी राज्यों में रहा है, तो इसीलिए इसको राज्य की फसल का दर्जा दिया गया है सोयाबीन को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के राजकीय नदी की बात करें तो स्टेट रिवर के तौर पे जो है नर्मदा नदी यहाँ का फेमस नदी है, और यहाँ के प्रमुख नदी में माना जाता है, तो नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नदी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के राजकीय फल भी बोला गया है, जैसे स्टेट फ्रूट की बात करें तो आम को स्टेट फ्रूट के रूप में जो है शामिल किया गया है, मैंगो,
चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की। यहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बॉडीज हैं, क्या क्या निकाय हैं, उन निकायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल निकाय की। तो देखो, हो सकता है अभी जब नए जिले बने हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है इन फ्यूचर, तो मैं उसको जो है अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन फिलहाल का जो डेटा है वो कुछ ऐसा है जिसमें से कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे रूरल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की बात करें, तो एक तो डिविजन होता है, हालांकि वो रूरल में ही नहीं आता, डिविजन मतलब ओवरऑल है, लेकिन मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे रूरल वाले सेक्शन में रखा है। जैसे कि ब्लॉक है, तहसील है, ग्राम पंचायत है, ये रूरल बॉडीज के अंतर्गत आते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 10 यहाँ के संभाग हैं और जिलों की संख्या अभी फिलहाल वर्तमान में 55 हो चुके हैं, ठीक है। ब्लॉक की बात करें जिसको हम जनपद पंचायत कहते हैं, तो जनपद पंचायत अभी वर्तमान में 313 है, जिसमें से ट्राइबल ब्लॉक जो है 89 है, जो कि आदिवासी विकास खंड के नाम से जाना जाता है, तो ये 89 है। अब इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, आदिवासी विकास खंड अमूमन पूछता है एग्जाम्स वगैरह में। तहसीलों की संख्या बात करें तो अभी तो 428 है, हो सकता है कुछ नए तहसील बनेंगे तो ये अपडेट होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये 428 जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या है, ठीक है। ग्राम पंचायत अब पूछता तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रख सकते हो, ग्राम पंचायतों की संख्या भी 23,006 है टोटल यहाँ पे ग्राम पंचायतों की संख्या, जो कि अलग अलग जो है तहसीलों के अंदर में और अलग अलग जो है ब्लॉक्स के अंतर्गत आते हैं, पंचायतों के अंतर्गत आते हैं जनपद पंचायत। अर्बन बॉडी या नगरी निकायों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे होता है नगर निगम, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है नगर पालिका, जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। और तीसरा होता है नगर परिषद या नगर पंचायत भी बोला जाता है, जिसको सिटी काउंसिल बोलते हैं। तो वर्तमान में यहाँ पे नगर निगम की संख्या 16 है, नगर पालिका 98 है और नगर परिषद जो है 294 है, ठीक है। 16, 98 और 294, राइट। तो देख सकते हो ब्लॉक की संख्या 313 और तहसील 428, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। 313 ब्लॉक है, जनपद पंचायत है, और 428 जो है तहसीलों की संख्या है यहाँ पे। अगर नगर निगम की बात करें तो 16 नगर निगम और 98 जो है नगर पालिका है। आप चाहो तो नगर परिषद भी याद रख सकते हो, 294, लेकिन ये 16 नगर निगम और 98 नगर पालिका को आपको याद रखना ही है। इलेक्टोरल सीट्स की बात करें तो जैसे अभी जो है असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो 230 जो है यहाँ पर असेंबली के मेंबर्स होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि 230 यहाँ पर असेंबली के सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एसटी के लिए रिजर्व है 47 और एससी के लिए रिजर्व है 35, मतलब कि जो रिजर्वेशन बाकी जो है ओपन सीट्स हैं। तो 230 में से 47 एसटी के लिए और 35 जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, तो लोकसभा में यहां से जो चुनकर जो लोग जाते हैं उसमें 29 लोग जाते हैं, मतलब कि लोकसभा का सीट यहाँ पे कितना है, 29 सीट है यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। इसमें से 6 जो है एसटी के लिए रिजर्व है और 4 जो है एससी के लिए, बाकी जो है ओपन सीट है, मतलब कि 29 में से 10 सीटें जो है रिजर्व है एसटी एससी के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 11 राज्यसभा के सांसद यहां से चुन करके जाते हैं, तो राज्यसभा के सीट्स कितना है, 11 है। तो 230 है विधानसभा के सीट, 29 है लोकसभा के सीट और राज्यसभा के हैं 11 सीट। तो ये कुल मिलाकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने वाले बॉडीज हैं, जहां से रिप्रेजेंटेटिव, जनता के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग सभाओं में जाते हैं, चाहे वो असेंबली हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। तो इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, 230, 29 और 11। अच्छा हाँ, कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने एमपीज हैं। तो देखो, एमपी लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, आप दोनों को ऐड करके टोटल एमपीज काउंट करते हो। तो यहाँ पे जैसे एमएलएस की संख्या पूछेगा तो एमएलएज या विधायकों की संख्या क्या हो जाएगा, 230 होगा, क्योंकि वो विधानसभा से चुन करके 230 लोग जाएंगे विधानसभा में आएंगे। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के 40 सदस्य एमपी बनते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं। तो सांसद की संख्या 40 है और एमएलए या जिसको विधायक बोलते हैं उनकी संख्या जो है 230 है। चलो, मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कुछ जो पहले पहल नाम जो है जिनके बारे में अमूमन एग्जाम वगैरह में पूछता है, इन चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला गवर्नर कौन था, कौन थे,
चीफ मिनिस्टर कौन थे, इन सब के बारे में अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछता है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला वाला सेक्शन है वो है गवर्नर वाला सेक्शन, ठीक है। गवर्नर क्या होता है, राज्य का एक तरह का प्रमुख होता है, हालांकि कंप्लीटली जो चीफ होता है जिसके हाथ में पावर होता है वो तो चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन ऑफिशियली जो है जो बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो होता है गवर्नर, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, उनका नाम है पट्टाभि सीतारमैया। ये जो है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के तौर पे इनको चुना गया था, पट्टाभि सीतारमैया, ठीक है। उसके बाद में अगर इसी में दूसरा सेक्शन बनता है वो है फीमेल कैटेगरी में, या महिला जो है राज्यपाल किनको चुना गया था, तो उनका नाम है सरला अग्रवाल। तो मिस सरला अग्रवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली जो है महिला राज्यपाल के तौर पे नियुक्त हुई थी। तो दो नाम हो गए राज्यपाल में, पट्टाभि सीतारमैया और सरला अग्रवाल। सीतारमैया, सरला अग्रवाल, ये दोनों जो है पहले जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, एक पुरुष में और एक महिला में। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका नाम है रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से ज्यादा फेमस है, पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे और पूरे मध्य प्रांत में उस टाइम में एक बड़ा नाम रहा था पंडित रविशंकर शुक्ल का, आजादी के लड़ाई के टाइम में। हालांकि देखो ये जो है जब 1956 में राज्य बना तब से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो भी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश राज्य बनने के बाद की बात है, क्योंकि पहले तो ये एक विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था 1948 से 1956 के बीच में, जब ये मध्य प्रांत का हिस्सा था। उसके पहले 1935 से 1948 से 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं होता तब इसको मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। हिस्ट्री वाले सेक्शन में मैं उसको और क्लियर करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि ये 1956 की बात हो रही है। उसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र राज्य बनने से पहले भी जो है अस्तित्व में था, भले उस टाइम में इसको मध्य प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, उस टाइम में इसको कई बार मध्य भारत या विंध्य प्रदेश ऐसे नामों से जाना जाता था, इवन इसको बीच में भोपाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता था, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्य बनने के बाद में। तो पहला जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। चलो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो है राज्यपाल का शासन, सॉरी प्रेसिडेंट का रूल भी लगा है, तो चीफ मिनिस्टर तो थे ही, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना प्रेसिडेंट रूल भी रहा है यहाँ। तो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल रहा वो 1977 में लगा था, ठीक है। उस टाइम में जो है 1977 में लगभग 54 दिनों के लिए जो है इसको डिजॉल्व कर दिया गया था विधानसभा को, और 1977 में पहली बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हालांकि इसके बाद में भी जो है यहाँ पर 1980 के आसपास में एक बार और लगाया गया था, तो ये दूसरी बार था जब 1980 में जो है एक बार राष्ट्र शासन मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा। इसके अलावा 1992 में भी एक बार जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, 1977, 80 और 92, ठीक है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर तो हमेशा से रहे ही हैं। अगर हम इसमें पहला चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रवि पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें, तो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है उमा भारती। उमा भारती 2003 में जो है यहाँ मध्य प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शर्व किया था, लगभग 2004 के आसपास तक। तो 2003-04 में जो है ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं असेंबली स्पीकर, जिसको हम विधानसभा के अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहले जो नाम है उनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे। तो पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले जो है अध्यक्ष बने, असेंबली स्पीकर। इसके अलावा अगर हम बात करें अपोजिशन लीडर की, तो अपोजिशन लीडर जो विपक्ष का नेता कहलाता है, तो विपक्ष के नेता सबसे पहले चुना गया था विष्णुनाथ तामस्कर। विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर था शायद उनका पूरा नाम, तो विष्णु तामस्कर या विष्णुनाथ तामस्कर के नाम से आपको याद रखना है। अपोजिशन लीडर थे, विपक्ष के नेता थे ये।
फर्स्ट वुमेन पोजीशन लीडर की हम बात करें तो जमुना देवी जो है मध्य प्रदेश की पहली जो है विपक्ष की महिला नेता थी, या विपक्ष की महिला नेता के रूप में इन्होंने पहली बार ये शर्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ जस्टिस। अब ये चीफ जस्टिस का मतलब है हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो पहली बार जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला को जो है बनाया गया, ये पहले जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पे सर्व किया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर महिलाओं में बात करें तो पहली या फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस जो है मिसेस सरोजनी सक्सेना, ये जो है मध्य प्रदेश की पहली जो है महिला चीफ जस्टिस रही है। मोहम्मद हिदायतुल्ला फर्स्ट ओवरऑल फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के, और पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में मिसेस सरोजनी सक्सेना जो है मध्य प्रदेश के पहली चीफ जस्टिस रही। चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी होता है, देखो चीफ जस्टिस जैसे कि न्यायपालिका का सबसे बड़ा जो है अधिकारी बोल सकते हो, पहला सबसे बड़ा जो है ऑफिसियल बोल सकते हो, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है किसी भी राज्य के लिए। जैसे भारत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का, उसी तरह से राज्य के लिए हाई कोर्ट अगर है तो। लेकिन चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, ये सबसे बड़ा जो है ब्यूरोक्रेट होता है, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिसको मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के H.S. कामत, ये जो है यहाँ के पहले चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। पहली महिला चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो मिसेज निर्मला बुच, तो निर्मला बुच जो है यहाँ की पहली जो है महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो है कार्यरत रही है। तो देखो ऐसे मतलब कि ऑफिशियल्स की बात करें तो ढेर सारे अलग अलग आयोग बनते हैं, अलग अलग कमीशन होता है, लेकिन और उसमें पूछता भी है, MPPSC के बहुत सारे एग्जाम्स में वो चीजें पूछता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन नामों को तो एटलीस्ट आपको याद रखना है, मे बी आपको क्वेश्चन पूछा जा सके, लेकिन सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जितने सेलेक्टेड चीजें हैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नर अमूमन पूछता है, चीफ मिनिस्टर पूछ देता है, असेंबली के स्पीकर, अपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस पूछता है, चीफ सेक्रेटरी पूछता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ देता है अमूमन, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है N.B. लोहानी थे यहाँ के मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं इसको, तो पहले निर्वाचन आयुक्त N.B. लोहानी। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसको हम सूचना आयुक्त बोलते हैं, सूचना के लिए जो आयोग बनाया जाता है सूचना आयोग, उसके कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो स्टेट का फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, T.N. श्रीवास्तव। T.N. श्रीवास्तव यहाँ के पहले जो है सूचना आयुक्त थे। इसके अलावा अगर हम बात करें DGP, जिसको हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, जिसको हम DGP के नाम से या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। तो B.P. दुबे यहाँ के पहले जो है DGP रहे मध्य प्रदेश के। लोक आयोग बनाया जाता है, जिसमें जो आयुक्त तो होता है उसको लोकायुक्त बोलते हैं, लोक आयोग के सबसे बड़ा अधिकारी होता है लोकायुक्त। ठीक है, तो पहला लोकायुक्त चुना गया दीक्षित सर को, P.V. दीक्षित जी को। ठीक है, तो लोकायुक्त कौन थे, P.V. दीक्षित। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम MPPSC के नाम से जानते हैं, तो ये जो पहला जो MPPSC का जो आयोग बना था, तो उसके पहले चेयरमैन के रूप में D.V. रेड्डी को जो है यहाँ के MPPSC के पहले जो है अध्यक्ष के रूप में या चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये MPPSC के अध्यक्ष की बात हो रही है। अगर हम बात करें द पर्सन हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज्यादा समय तक जो है गवर्नर के पद पे या राज्यपाल के तौर पे जो है नियुक्त हुए, उनका नाम है श्री हरि विनायक पात्सकर। तो ये जो है यहाँ के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले गवर्नर के रूप में है श्री हरि विनायक पात्सकर। अगर हम इसी को क्वेश्चन को CM के बारे में, अक्सर गवर्नर के बारे में तो उतना पूछता भी नहीं है, लेकिन CM के बारे में आपको याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान जो है सबसे लंबे समय तक जो है गवर्नर सॉरी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो है यहाँ पे नियुक्त रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में भी वही जो है चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो है एक तो अलग अलग कार्यकालों में जो है इनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें शुरुआती कार्यकाल की, तो 2008 से जो है इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, 2008
आठ से लेकर अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान शासन तक जो है इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए भी पूछ सकता है, सबसे कम समय तक के लिए, तो सबसे कम समय की अगर हम बात करें तो सिर्फ 13 दिनों के लिए एक बार जो है राजा हरिश्चंद्र बोलता हूँ, नरेश चंद्र, सॉरी, राजा नरेश चंद्र सिंह जी थे जो कि 13 दिनों के लिए जो है वो किए, नरेश चंद्र, ये सिर्फ 13 दिनों के लिए जो है रहे। आई थिंक 1969 का टाइम था जब ये संयुक्त विधायक दल का उस टाइम में सरकार बनी थी, उस टाइम में जो है इन्होंने सिर्फ 13 दिनों के लिए सर्व किया था एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम जितने भी ऑफिशियल वगैरह हैं, करंट ऑफिशियल्स वगैरह के बारे में हम कल के क्लास में बात करेंगे, जो वर्तमान में जैसे राज्यपाल चीफ मिनिस्टर वगैरह के बारे में हमने देखा कि फर्स्ट मध्य प्रदेश में कौन थे, उसी तरह से हमें देखना है करंट में अभी किन किन ऑफिशियल्स के बारे में हमें याद रखना है, कौन कौन से अधिकारियों के बारे में हमें जानना जरूरी है जो पोस्ट में है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, लिस्ट को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, पहले इस लिस्ट को पहले एक बार देख लेना कौन फर्स्ट थे, और ताकि वर्तमान में जो है उसको आप थोड़ा सा कंपेयर कर सको। और ये लिस्ट जो है मैं आज PDF अपलोड कर दूंगा, वहां से एक बार आप और इसको पढ़ लेना, थोड़ा ध्यान रख लेना, और अपने हिसाब से भी आप और अरेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस नामों को आपको याद में रखना है, उतना ही चीजें पूछ सकता है। बाकी MPPSC वगैरह में मेन्स वगैरह जो हो एग्जाम वगैरह होता है उसमें और डिटेल में पूछता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ नामों को आपको याद रखना है कौन फर्स्ट थे, महिलाओं में हो पुरुषों में हो, है ना, और वर्तमान के अधिकारियों के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। चलो, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।